हाँ गाइज, मैं उमेश त्रिला। अभी आप लोग देख रहे हैं उमेश त्रिला ब्लॉग। दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम और चंदन। देख सकते हैं चंदन यहाँ पे है और हम लोग अभी फाइनली जा रहे हैं मदनेश्वर स्थान। आप लोग तो वैसे नाम सुने होंगे मदनेश्वर स्थान का, तो चलिए वहाँ पे भोला महादेव बाबा का मंदिर है, तो चलिए वहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को किस प्रकार है वहाँ पर मंदिर। और बहुत ही फेमस है यहाँ का, जितने भी एरिया है सब जानते ही होंगे मदनेश्वर स्थान के बारे में। तो चलिए क्या कुछ है वहाँ पे जाकर के आप लोगों को दिखाएंगे। तो बन रही है मेरे ब्लॉग वीडियो साथ और देखते रहिए उमेश त्रिला ब्लॉग्स। अभी हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, अभी गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे फिर निकलेंगे हम लोग। देख सकते हैं ये है काशी। फाइनली हम लोग तेल भरा चुके हैं गाड़ी में, देख सकते हैं चंदन भी आ गया। फिर हम लोग ऐसे आगे निकलेंगे बनने मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ और देखते रहिए उमेश त्रिला ब्लॉग्स। तो गाइस हम लोग खा देखते सब देख सकते हैं स्ट्रिंग लिए हुए हैं, तो थोड़ा पी रहे हैं उसके बाद फिर जाएंगे, है कि नहीं। हम लोग आ गए हैं शुद्ध देसी गांव, यहां पे रोड का विकास नहीं हुआ है और देख सकते हैं हम लोग चौड़ी चाचर होते हुए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग कृपया हमारे मेहनत को बेकार न जाने दें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कृपया सपोर्ट कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग कितना चौड़ी चाचर होते हुए है कि नहीं, बागवान होते हुए जंगल झाड़ी होते हुए निकल रहे हैं। और ये शॉर्टकट रास्ता है इसीलिए हम लोग थोड़ा मेन रोड ना होते हुए हम लोग शॉर्टकट जा रहे हैं ताकि जल्दी पहुँच जाए, है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरा मेहनत को बेकार ना जाने दें और आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। तो इंतजार की घड़ी हुई और हम लोग आ चुके हैं मदनेश्वर स्थान। तो चलिए आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे आ गया और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर जा कर के। हाँ स्कूल और ये हो गया तालाब जहाँ पे आदमी इस पोखरी में नहा करके और भगवान को पूजा करके। देख सकते हैं ये रहा गेट, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भजन वजन शुरू हुआ है अभी, ठीक है। और देखिए ये रहा तालाब, तो चलिए इस तालाब में हम लोग पहले पैर हाथ धोते हैं उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर में भगवान का दर्शन करने और आप लोगों को भी दिखाएंगे मदनेश्वर स्थान का कुछ नज़ारा। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो साथ और देखते रहिए उमेश त्रिला ब्लॉग्स। जो भाई नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता ही रहे, धन्यवाद। जा रहे हैं तालाब में हम लोग, आप यहाँ पर पैर हाथ धोएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। वहाँ पर देख सकते हैं चंदन भी है, चंदन कहाँ गया भाई। ये रहा गेट, देख सकते हैं आप लोग मदनेश्वर स्थान का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। देखते रहिए और अपना मनोरंजन लेते रहिए। तो चलिए फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, अंदर आ गए हैं। अब तक यहाँ पे चलते हैं अंदर में। ये देखिए गेट हो गया और यहाँ से ये मंदिर का नज़ारा ये देखिए, उसके बाद आप लोग देखिए ये अंदर का दृश्य इस प्रकार है। ये हो गया पिपल का पेड़ और यहाँ पे देखिए और ये न्यू मंदिर बन रहा है और ये देखिए ये हो गया मंदिर का मेन गेट, यहाँ पे हम लोग चलेंगे। अब चलिए अंदर घुस रहे हैं और ये Oh, 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 oh
मंदिर से आ चुके हैं, देख सकते हैं मंदिर में गए थे, भगवान को दर्शन वर्शन किया और बाहर आ गए हैं। देख सकते हैं चंदन भी है और यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इस अंदर में क्या है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये इनार हो गया, देख सकते हैं आप लोग अभी भी यहाँ इनार है, इसको ढक दिया गया है सेफ्टी के लिए, क्योंकि क्या होता था कि बच्चा सब इसमें कभी कभी धोखा से गिर भी जाता था, इसलिए सेफ्टी के लिए देखिए इसमें यह लगा दिया गया ताकि अंदर में कोई गिरे ना, ठीक है। और ये रहा आपको मधेश स्थान का नज़ारा, आप लोग को भगवान को तो मिला ही दिया। चलिए फिर आगे जो भगवान बचे हुए हैं उनसे भी आप लोग को मुलाकात करवाते हैं, यानी कि दर्शन करवाते हैं। फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं भगवान का और फिर आप देख सकते हैं हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं घर के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।